एबी चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसे न्यू वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं अमन नंदलाल एबी चैनल आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो मतलब बहुत हटके और ना हमारी जो रियल लाइफ में ना वो बहुत अप्लाई हो रही है। मतलब हम पठान हो चुके हैं उस चीज़ से यार। मतलब हम गरीब आदमी यार, मिडिल क्लास फैमिली से बंदे हैं। तो आप आज का सुनने होगा कि अरे वो छोड़ो, पहले ये सुनो। किस्मत बदलती वे किया मैं, जग बदलता वे किया मैं, बदलते वे के अपने। सुना है ना गाना? किस्मत कैसे बदलती है? सुबह 8 बजे का टाइम है भाई साहब, हमने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी लेके चल दी, सब सही है। बाल उठ रहे हैं, बाइक भाग रहे हैं 80 की स्पीड में। उसके बाद जाते ट्रैफिक पुलिस वाले चालान काटते हैं, फिर किस्मत बदलती वे की मैं, रब बदलता वे के मैं, बदलत वे के अपने। मतलब ऐसे होगा हमारे साथ, क्या होगा देखो। हम जैसे लोग ना मिडिल क्लास फैमिली से, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। 25,000-30,000 के चालान मतलब हमारी बच्ची है नहीं। आपने सुना होगा पिछले संडे, मतलब पिछले संडे 25,000 का चलान हो गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 का। और ये चीज़ ना मेरी लाइफ में बहुत फर्क पड़ रहा है, मेरी खुद की लाइफ में ना बहुत फर्क पड़ रहा है। पता कैसे? आज से 1.5 महीना पहले की बात है, जब मैं घर से बाइक लेके आता ना, तो मम्मी पापा बोलते थे बेटा गाड़ी आराम से चलेगी, तो हमारा इकलौता लड़का है, तो कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, बाइक के में कोई टेंशन नहीं है। बहुत फीलिंग होती है, राजा वाली फीलिंग। राजा भैया, हमारा घर वाला इकलौता है, हम तो राजा हैं, ठीक है। अब क्या होता पता है? आप घर से बाइक ले निकले ना, मम्मी पापा बोलेंगे बेटा देख ऐसा है ना, अगर तू घर से बाहर निकला तो ले जा कोई बाइक ले जा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ देखो तुझे ट्रैफिक पुलिस वाला ना बाइक कर दे 100 के पार। पापा बाइक की प्लेटिन है 80 से ऊपर भागती नहीं है, भागूंगा तो पीछे से हिलेगा पूरा। पापा कहते ना भैया देख, 80 से 100 के पार होनी चाहिए, मतलब गाड़ी पकड़नी चाहिए, चला नहीं करना चाहिए। अब मैंने पापा ये ऐसा क्यों यार? फिर पापा ने बताया बेटा देख, मैं ना बहुत मेहनत करके मैंने तेरी लिए बाइक जोड़ी है। कैसे? जब तू पैदा हुआ ना 1997, तो खुशी हुई अंदर से कि तू पापा पैदा हो गया, तो मैंने तब से पैसे जोड़ने स्टार्ट करे, जोड़े 18 साल। जब तू 18 साल का हुआ तब हमने तेरे लिए बाइक लेनी, सोचा मेरे इसके बाइक लेंगे, ठीक है। मैंने पापा बाइक कितनी के ली? पापा बोले 15,000 की। मैंने कौन सी? 18 साल में तुमने 15,000 जोड़े? कह रहे देखो गरीब हैं, गरीब मिडिल क्लास के बंदे हैं, हमने तेरे बाइक बैठ लिया, मतलब ना फील हो गया पापा ने बहुत कुछ करा। मान ली, मैं अभी मानता हूँ पापा ने बहुत कुछ करा, ठीक है वो ठीक है। तो ये सब चीज़ ना हमारी लाइफ में मतलब बहुत फर्क पड़ती है। मतलब मैं खुद बोल रहा, मैं आइए बताऊँ, आज से पहले पेट्रोल मतलब बाइक में पेट्रोल हमें भरते थे, तब पेट्रोल 60 रुपये का हुआ, 800 रुपये का पेट्रोल, 70 का हो गया। तो मतलब लोग बहुत आते थे कि और पेट्रोल महंगा हो गया। अब आज के टाइम में ना बाइक में पेट्रोल डालने के बाद फट रही, क्यों भाई? बाइक लेके जाएंगे तो आगे ट्रैफिक वाले मिल जाएंगे, चालान कटेगा 25,000 का। अरे भैया जो बंदा मतलब 70 रुपये का पेट्रोल डालने फटती थी, अब 25,000 पेट्रोल कैसे, मतलब बिल कैसे देगा, ठीक है। तो ना ये सब चीज़ ना बहुत मैटर करती है हमारी लाइफ में। तो मतलब आप कहाँ गए भैया वो लड़ने वाले की, भैया पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आप दिखाओ ना न्यूज़ वाले कि 25,000 का चालान कैसे हो गया। अरे मेरे सामने की, अरे वो छोड़ रहा हूँ, मेरे सामने की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ ना मेरी खुद की लाइफ में बहुत फर्क, मतलब मेरी ये चीज़ें मेरी खुद की लाइफ में बहुत फर्क पड़ रहा है। कहते हैं मतलब घर के अंदर तक मेरा जीना हराम हो गया यार, घर के अंदर तक मेरा रूल लग गए। वो घर वाले कह रहे हैं मोदी जी ने लगा तो कुछ सोच के लगा दो ना, ठीक है। तो भैया तुम घर में क्यों लगा रहे हो? घर में भी मोदी जी बन जाओगे तुम, पता कहते। तो 7 बजे के बाद बंदा लेट आया, बंदा मतलब मैं यार, गरीब मैं ही हूँ। 7 बजे के बाद बंदा लेट आया तो 5,000 का जुर्माना। अरे बाबा तुम 500 रुपये खोल देते हो मेरी पॉकेट मनी, तो मैं कैसे दूंगा 5,000? नहीं, लिख के ले साइन करवा दिए। लेट नाइट 11 बजे के बाद चैटिंग की तो 10,000 का जुर्माना यार। और वो तो ठीक है, वो तो मैं छोड़ दूंगा, पर हमें लौटे कुंवारे शादी हुई है तो वो सुनो ना, हस्तमूत नाम सुना होगा, वो करने पे 1,00,000 का जुर्माना। 1,00,000 का जुर्माना पता है, मतलब शादी कैंसिल। शादी में 1,00,000 रुपये लगता है, मिडिल क्लास वाले बंदे हैं तो हमें शादी में 1,00,000 रुपये लगेगा पूरा, मतलब दोस्तों को खिलाफ बोलो के रिश्तेदारों को लगे 1,00,000 रुपये लगता है। अब 1,00,000 रुपये जुर्माना अभी तक लगा हमें, तो हमारी शादी कैंसिल हो गई। अब यू वो करें या शादी के लिए उसका वेट करें, तो मतलब हो सकता ना हम यार, छोड़ो ना आप क्या कह सकते हैं। उसके बाद कुछ बातें ऐसी हैं आपको बता जाता हूँ। देखो लॉन्ड्री को डर कितना फैल गया, डर इतना फैल गया, तो अब मतलब रात भर सो रहे में मतलब सोने में भी ये आ रहा है कि मैंने ट्रैफिक पुलिस वाला पड़ा, आ बेटा तेरा चालान काटू, तेरा काटे बाटू, ये चल रहा है। तो मतलब कुछ बंदे ना मतलब इतने डरे हुए हैं कि मतलब वो अपने पीछे में गेम खेल रहे हैं, बाइक रेसिंग वाला, तो वो हेलमेट लगा खेल रहे हैं, हेलमेट लगा जहाँ पर ठुकरे के बाद चालान देख रहे, पीछे मुड़ के कोई आया तो नहीं चालान काटने वाला। तो ना ये बहुत सी मैटर करती हैं, और खुद आप भी आपकी मैटर करते हैं। तो मतलब मेरा मेन मोटिव, और पता है मोदी जी ने ये सर ये चालान वाला ऐसा बनाया कि जनता का चालान काट देंगे, ये कर देंगे, मतलब उनकी पता है सोचने वाली थिंकिंग है उसके अंदर। अब तुम बोलो कैसे,
जो चलान है ना चलान, इससे ना आपकी ना जो जनसंख्या ना पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल होगी। आप बोलो कैसे? आज जो ना जो बंदे सरी बोलते थे ना, वो जो मतलब केमिस्ट में जाते थे, केमिस्ट की तो भयंकर सेल बढ़ गई, जितनी दवाई नहीं बिक रही उतना डिब्बे बिक रहे, छोटे वाले मेन फोर्स वाले वो भी डिब्बे बिक रहे हैं। पता कैसे? लाइन लगी पड़ी है एक 5 साल का, फिर उसके बाद 4 साल का, फिर 3 साल का। और अब दिक्कत होता क्या है? दिक्कत यह है कि अब ट्रैफिक पुलिस में ये हो गया है कि मतलब अगर आप ओवरलोडेड हो गए ना, मतलब कि एक एक औरत, एक आदमी, एक बच्चा अलाउ है, एक औरत, दो आदमी, बच्चा अलाउ नहीं, इससे चलान कट रहा है। अरे भैया फिर 25,000 का चलान कटने से अच्छा तो वो ले लो, 15 रुपये का डिब्बा ले लो, 25,000 का चलान कटने से अच्छा। तो मतलब इससे भी आपका मतलब जनसंख्या कंट्रोल हो रही है, ये सब चीज सोचने वाली बात है ना। तो मतलब ये, और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा, मेरे दोस्त का फोन आया कल रात को, कल शाम को 6 बजे के मेरे दोस्त का फोन आया, कह रहा है हेलो भाई कैसा है। मैंने कहा कह रहा है यार दिक्कत होगी। मेरे क्या दिक्कत है? कह रहा है मैं चलान कट गया है, चलान कट गया। मेरे अंदर सुना है घुमा गर्लफ्रेंड को, तो उसने मुझसे बोला यार मेरा चलान कट गया। मैंने कितने का? कह रहा 15,000 का। 15,000 को? मैंने कहा तू अंदर तो 15 रुपये खर्च नहीं करता गोलगप्पे खाने में, तू 15,000 कैसे देगा? कह रहा यार वही तो बोल लो 15,000 कैसे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा तेरी बाइक की कीमत कितनी है? क्या कीमत? मेरी 20,000 रुपये। मैंने ठीक था 20,000 है ना, 5,000 बच रहे ना, 15,000 रुपये दे और अपने बैग ले जा 5,000। कह रहा यार तेरे तो तू पर दिक्कत हो नहीं है। मैंने कहा दिक्कत क्या है? मैंने कहा क्या दिक्कत होगी, जब जो बंदे ने जो चीज़ बोली ना मेरे दिल को फेफड़े बाहर आ गए, बाहर मतलब यूज़ बाहर आ गए फेफड़े। अरे इतनी बता फेफड़े ये नहीं, फेफड़े बाहर आ गए। ठीक है, बंदे ने ये बोला कि बाइक मेरी नहीं है, मेरे पड़ोसी की। अबे बाइक तेरी पड़ोसी की है? अबे तूने तो उड़ता आती अपने पिछवाड़े पे ले लिया। अबे मैंने ऐसे कहा इमरजेंसी बढ़ गई तो तू पड़ोसी भाई लेके चले गया। कह रहा भाई दूध देने जानता है, पापा ने कहा दूध लेके आ जा। मैंने अब तेरा दूध निकलेगा? कह रहा आप क्या करूँ यार, मैंने कहा अब तो गाड़ी फंस गई, मैंने आप क्या करूँ? कह रहा ऑनर को बुला के ला, ऑनर आएंगे घंटा देने तेरा। अब भाई तू तो फंस गया। तो मतलब ये है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ती हैं। वो ठीक करे, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं पता गरीब फैमिली का बंदा हूँ, मैं बहुत गरीब फैमिली का बंदा हूँ पता है। मतलब मेरे घर में तो ऐसा ना कि हमें रोटी भी नमक में खाते हैं, हम रोटी भी नमक खाते हैं, यूट्यूब में तो मैचे बना देते हैं यार। तो मतलब बड़ी मुश्किल से पापा ने 18 साल लगाए ना बाइक जोड़ने में, बाइक जोड़ ली। अब पता मुझे डर लगता है, मतलब मैं मतलब गाड़ी मतलब पैदल जाने में डर, मतलब कि बिना स्टार्ट के जाने में डर लगता है कि वहाँ पुलिस वाला, आपने न्यूज़ पढ़े ना कि खड़ी गाड़ी का काटा चालान है ना, तो मुझे खड़ी मतलब गाड़ी पैदल जाने में डर लगता है कि यार कोई ये नहीं। पता कैसे जाता हूँ मैं? कपड़े पूरे फटे पहन के ट्रैफिक वाले पकड़ लिया, अरे भाई साहब हम तो वहाँ मिस्त्री हैं भैया, हम तो ठीक कराने ला रहे हैं, ऐसे बोल चुका हूँ। तो मतलब ना मतलब बहुत मेरा मतलब ये बहुत हो चुका हमारी लाइफ में। तो मैं मतलब तो वो सब ठीक है। तो कुछ बातें हैं ना जो आपको बतानी बहुत जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ट्रैफिक के जो नियम है वो आप सबको पालन करने है। देखो अगर आप अपने सब चीज़ अपने मतलब नियम के अनुसार पालन करेंगे ना, फॉलो करेंगे, तो आपका चलान कोई काट ही नहीं सकता। पहली बात, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, हेलमेट आपके पास होना चाहिए, गाड़ी का कागज होना चाहिए, RC होनी चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका गांव का कार्ड होना चाहिए आपका, और स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है, और मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल हो तो वर्जिन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और अगर आप मतलब अगर आप बाइक सही से चलाते हो तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मतलब कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपको बाइक का होता है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पास एक बच्चे का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक ही बच्चे का, तो आपका चलान कट ही नहीं सकता। तो अभी आप क्या वो हल्के ले रहे हो मोदी जी को? मोदी जी कल के डेट में ये रूल निकाल देंगे, जिस बंदे के 3 बच्चे हैं उसका 2 लाख का चलान काट दो। सही बात है, जिस बंदे के 3, मैं कह रहा हूँ लिख के लो, वो कहेंगे जिस बंदे के 3 बच्चे हैं उसका 2 लाख का चलान काट दो, और सबसे पहले चलान मेरे पापा काटेगा। मेरे पापा का चलान कटेगा, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का चलान कटेगा मेरे पापा का पहले। और आप लोगों को पता है जो ना जो बंदे ना बाइक लेके स्टंट मारते थे, वो चाहते थे एक एक टायर पे गाड़ी खड़ी कर दी, एक टायर पे टांग खड़ा कर दिए, आज पता वो बंदे पता रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर्दी चालान हटा दो, हम प्यार से चलाएंगे, सर्दी चालान हटा दो। मतलब ये ना ये टाइम बदलता है ना। अभी देखो अभी आप सोच नहीं सकते कि आप पे क्या क्या चालान लग सकते हैं। अभी कम से कम चालान 25,000 का है। अरे भैया कम ये है तो ज़्यादा क्या है? मतलब कि अब मैं मोदी से रिक्वेस्ट, मोदी जी अब आपने ये चालान 25,000 कर देना तो बाइक भी 5,000 की निकाल दो, बाइक के रहे 65,000 रुपये। मतलब ये मान लो कि एक बाइक आपने ली, ठीक है, आपने एक बाइक ले ली 65,000 की, ठीक है, हीरो होंडा 65,000 की ले ली आपने, आप लाए घर पे, तो आपको 65,000 करने में ना खाली 3 दिन चाहिए, एक दिन 25,000 का चालान, दूसरे दिन 25,000, तीसरे दिन 25,000 का, तीसरे दिन बाद वो बाइक हो गई पुलिस वालों की। ये तो हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपका मन मंडल ए भी चैनल, तो आप नए वीडियो लेकर आएगा पक्का आपके साथ, और मेरे एक वीडियो और आ रही थोड़ा नॉन वेज है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को वेट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। फाइनल बाय बाय।